अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले सभी कामगार इस कार्ड को ऑनलाइन खुद से बना सकते हैं और सीसी सेंटर के माध्यम से भी बनाया जा रहा है। आधार कार्ड की तरह 12 अंकों का यूनिवर्सल नंबर दिया जाता है। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले उन सभी वर्कर को भारत सरकार जब भी कोई नई योजना लाती है तब डायरेक्ट बेनिफिट जिनका ई श्रम कार्ड बना होगा उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि ई श्रम कार्ड के साथ बैंक अकाउंट नंबर को साथ में जोड़ा जा रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में टोटल 379 काम आते हैं। हर वो भारतीय जिनकी आयु 16 साल से लेकर 59 साल है वह सभी भारतीय ई श्रम कार्ड ऑनलाइन खुद से बना सकते हैं। खास तौर पर अप्लाई करने वाला बंदा टैक्स पर्सन नहीं होना चाहिए, संगठित क्षेत्रों में काम करने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसे सभी लोग ई श्रम कार्ड ऑनलाइन खुद से बना सकते हैं या तो सीएससी सेंटर विजिट करके ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। मित्रों, आप लोग को स्टूडियो में हम बताएंगे कैसे आप लोग सीएससी सेंटर के माध्यम से ई श्रम कार्ड ऑनलाइन बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड, सरकारी सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी मित्रों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए फ्रेंड, वीडियो की शुभ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मित्रों हमें गूगल सर्च करना है और हमें लिखना है सीएससी लॉगिन। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन वाला आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें आईडी और पासवर्ड और कैप्चा फिल करके हम सीएससी में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद हमारे सामने सीएससी का डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाता है। उसके बाद मित्रों यहाँ पर बहुत सारी सर्विस हमारे सामने आती जाएगी। तो यहाँ पर हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर मित्रों आप लोग देख पाएंगे ई श्रम। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है या तो आप लोग यहाँ पर सर्च वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें लिखना है। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर ई श्रम कार्ड का ऑप्शन आ जाता है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ई श्रम कार्ड की ऑफिशियल पोर्टल हमारे सामने ओपन हो जाती है। अगर मित्रों आप लोग सीएससी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना चाहते होंगे तो यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम सीएससी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक हो या नहीं भी हो ऐसा मोबाइल नंबर आप लोग को यहाँ पर फिल करना है। अगर मित्रों आप लोग इस सेक्टर में काम करते होंगे तो यहाँ पर आप लोग को यस करना है, अगर नहीं करते होंगे तो आप लोग को यहाँ पर नो करना है। अगर आप लोग इस सेक्टर में काम करते होंगे तो आप लोग ई श्रम कार्ड नहीं बना पाएंगे, इसलिए आप लोग को यहाँ पर नो ही रखना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद यहाँ पर ओटीपी फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए जाते हैं, फिंगरप्रिंट, इरिस और ओटीपी। अगर मित्रों आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो आप लोग के पास दो ऑप्शन बच जाते हैं, फिंगरप्रिंट और इरिस। अगर मित्रों आप लोग के पास फिंगरप्रिंट डिवाइस होगा तो यहाँ पर आप लोग कंसर्ट देंगे। उसके बाद यहाँ कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ कंसर्ट देंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चर बायोमेट्रिक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जिस भी बंदे का आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे उनका फिंगर आप लोग को फिंगर डिवाइस पर रखना है। उसके बाद फिंगर को सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया जाता है, यहाँ पर ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे आधार कार्ड में डिटेल होती है यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। यहाँ पर हमें हमारा नाम मिल जाएगा, फ़ोटो मिल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा, जेंडर मिल जाता है, साथ में यहाँ पर एड्रेस भी मिल जाता है। जो आधार कार्ड में डिटेल होती है यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर हमें आई एग्री डेट ऑल द इन्फॉर्मेशन सो अबव आर करेक्ट, यहाँ पे हमें एक ही जगह पे कंसेंट देना है, सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। उसके बाद कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। अगर मित्रों आप लोग एडिशनल नंबर यहाँ पर फिल करना चाहते होंगे तो यहाँ पर आप लोग फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग ईमेल आईडी फिल करना चाहते होंगे तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मल्टी टेस्ट चूज करेंगे। अगर आप लोग मैरिड है तो यहाँ पर मैरिड पे क्लिक करेंगे, अगर नेवर मैरिड है तो आप लोग नेवर मैरिड पे क्लिक कर। उसके बाद यहाँ पर फादर का नाम फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा तो यहाँ पर आप लोग अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मित्रों आप लोग को आपका ब्लड ग्रुप पता होगा
तो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मित्रों आप लोग को किसी तरह की डिसेबिलिटी होगी तो यहाँ पर आप लोग यस करेंगे, अगर नहीं होगे तो यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी का पूरा नाम फिल करेंगे, उसके बाद नॉमिनी का जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे मेल फीमेल, उसके बाद यहाँ पर रिलेशन सिलेक्ट करेंगे फादर हस्बैंड जो भी होगा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने कैलेंडर आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करेंगे, ईयर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करेंगे, मंथ सिलेक्ट करने के बाद डेट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सेट वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें एड्रेस डिटेल फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर होम नेटिव स्टेट पे क्लिक करेंगे, जो भी मित्रों आप लोग का स्टेट होगा यहाँ से आप लोग को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर होम नेटिव डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, जो भी मित्रों आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास स्टेट स्पेसिफिक आईडी होगी तो यहाँ पर फिल करेंगे, नहीं होगी तो फिल करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद करंट एड्रेस, तो अगर आप लोग अर्बन से होंगे तो यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट करेंगे, अगर आप लोग रूरल से होंगे तो यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हाउस नंबर फिल करेंगे, लोकेलिटी यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करेंगे, जो भी मित्रों आपका स्टेट होगा आप लोग को इस लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर विलेज का नाम सिलेक्ट करेंगे, विलेज का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पिन कोड नंबर फिल करेंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर पूछा जाएगा आप लोग इस एड्रेस पे कितने समय से रह रहे हैं, तो आप लोग को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। अगर मित्रों आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम होगा तो यहाँ पर आप लोग कम्युनिकेशन एड्रेस सेम टू सेम फिल कर सकते हैं, अगर आप लोग का डिफरेंट होगा तो यहाँ पर आप लोग को अलग फिल करना होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल सिलेक्ट करेंगे। मित्रों आप लोग जहां तक पढ़े लिखे होंगे तो यहां से आप लोग चूज करेंगे। अगर मित्रों आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होगा तो यहां पर आप लोग अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मंथली इनकम स्लैब यहां पर आप लोग सिलेक्ट करेंगे, आप लोग मंथली कितना रुपया यहाँ पर कमा लेते हैं, या तो अगर आप लोग अदर बंदे का यहाँ पर फिल कर रहे होंगे तो वो लोग कितना कमाते होंगे आप लोग को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होगा तो यहाँ पर आप लोग अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन एंड स्किल डिटेल फिल करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले प्राइमरी ऑक्यूपेशन टाइप करेंगे। अगर मित्रों आप लोग को यहाँ पर क्या फिल करना है अगर ये पता नहीं होगा तो मित्रों आप लोग यहाँ देख सकते हैं, तो मित्रों आप लोग को यहाँ पर एनशो कोड की पीडीएफ मिल जाती है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक हेयर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने एनशो कोड की सारी डिटेल ओपन हो जाती है। मित्रों यहाँ पर आप लोग को 379 एनशो कोड मिल जाते हैं। अगर मित्रों आप लोग जिस भी कैटेगरी में आते होंगे तो यहाँ से आप लोग एनशो कोड सिलेक्ट कर सकते हैं, और मित्रों आप लोग यहाँ पर चाहे तो टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम टाइप करेंगे कंस्ट्रक्शन। मित्रों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन के नाम पे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जिस भी कैटेगरी में आप लोग आते होंगे तो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑक्यूपेशन एक्सपीरियंस ईयर सिलेक्ट करेंगे, जितने भी समय से आप लोग करते होंगे आप लोग को यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करेंगे, जो भी मित्रों आपका सेकंड ऑक्यूपेशन होगा आप लोग यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मित्रों आप लोग के पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट होगा तो यहाँ पर आप लोग अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा हाउ डिड यू एक्यूर स्किल्स, तो यहाँ पर आप लोग को सिलेक्ट करना है आप लोगों ने कहीं से टेक्निकल ट्रेनिंग ली होगी, तो यहाँ पर आप लोग पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप लोगों ने टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं ली होगी तो यहाँ पर आप लोग सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग को सब स्किल पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप लोग को पूछा जाएगा अगर आप लोगों ने ट्रेनिंग कहीं से ली होगी तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे, अगर आप लोगों ने खुद से ली होगी तो यहाँ पर आप लोग सेल्फ लर्निंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर पूछा जाएगा स्किल टू बी अपग्रेडेड, अगर मित्रों आप लोग को इन फ्यूचर ट्रेनिंग मीटिंग लेना रहेगा तो आप लोग लेना चाहेंगे तो आप लोग यहाँ पर टिक आउट करेंगे, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बैंक डिटेल फिल करेंगे, आपके आधार कार्ड के साथ अगर बैंक सीडिंग होगा तो यहाँ पर यस लिखा आएगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पर नो लिखा आएगा। सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म अकाउंट नंबर फिल करेंगे,
उसके बाद यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आईएफएससी कोड नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ब्रांच का नेम ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सारे डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे, उसके बाद यहाँ पर हम प्रीव्यू कर लेते हैं। मित्रों आप लोगों ने जो भी डिटेल यहाँ पर फिल की होगी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर मित्रों आप लोगों को पर्सनल डिटेल मिल जाएगी, उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी डिटेल मिल जाएगी, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डिटेल मिल जाएगी, उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन और क्वालिफिकेशन डिटेल मिल जाएगी, उसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन डिटेल मिल जाएगी, उसके बाद यहाँ पर बैंक डिटेल मिल जाती है। सारी चीज़ यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर कंसर्ट देंगे, उसके बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर हमारा ई श्रम कार्ड का यूनिवर्सल नंबर जनरेट हो जाता है। उसके बाद मित्रों आप चाहे तो यहाँ पर ई श्रम कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मित्रों इस तरह आप लोग सीएससी के माध्यम से ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप लोग को वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो जल्द ही इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। इस तरह के कंटेंट पाने के लिए, अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि हमारे ओर से आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच पाए। इस चैनल पर हर बार आने के लिए आप सभी मित्रों का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।